Hold her. Oh my God. Hold her. Hold, oh my God. जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है सेंट एंजियो ऑर्फनेज को दिखाते हुए। रात के समय सभी बच्चे सो रहे थे, पर उनमें से एक बच्चा अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाने लगता है। उसके साथ एक छोटी लड़की भी आती है, क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था। वो बच्चा पानी का टैप ऑन करता है, पर उसमें से पानी नहीं आ रहा था। वो बच्ची उसे डरावने बच्चों के बारे में बताती है जो कि उसी बाथरूम में रहते थे। दोनों बाथरूम से चले जाते हैं और तभी उसी टैप में से पानी अब निकलने लगा था। पानी की आवाज़ सुनकर वो बच्चा अकेले फिर बाथरूम में चला जाता है और वो पानी के सभी टैप को बंद कर देता है। तभी उसे आईने के पीछे किसी के होने का एहसास होता है और बाथटब में चढ़कर वो आईने में ठीक से देखने लगता है। तभी तेज बिजली गरजने लगती है तो वो बाथटब से जमीन पर गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उस छोटी बच्ची को उस लड़के के गिरने की आवाज सुनाई जाती है तो वो बाथरूम में देखने जाती है और वहां पर वो उस लड़के की डेड बॉडी देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। कुछ दिन के बाद में उस ऑर्फनेज में एक नई हाउसकीपर आती है जिसका नाम एना था। ऑर्फनेज की ओनर एना को वेलकम करती है और जंगल के रास्ते एना को ऑर्फनेज लेकर जाती है। अंदर आने के बाद ओनर एना को लॉकर रूम में भेज देती है और कहती है कि एना के सभी जरूरत का सामान वहीं पर मिलेगा। एना लॉकर रूम में जाती है, वहां पर उसे ऑर्फनेज की कुक इलिंका मिलती है और दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। इलिंका वहां पर 23 साल से काम कर रही थी और तभी एना को ओनर की आवाज आती है जो कुछ आदमियों से बातें कर रही थी। ओनर की बातों से एना को पता लगता है कि वो ऑर्फनेज वहां पर हो रही मिस्टीरियस मौतों की वजह से बंद हो रहा है और एना जल्दी से छुप जाती है ताकि ओनर उसे न देख पाए। तभी एक औरत आती है और एना को ओनर से छुपता हुआ देखकर वो एना को कुछ नहीं कहती है। ओनर के जाने के बाद में वो एना को ऑर्फनेज का थोड़ी बहुत जगह दिखाती है और एना को उसके रूम तक ले जाती है। एना का रूम उसी बाथरूम के पास था जहाँ पर मूवी की शुरुआत में वो बच्चा मारा गया था और कुछ देर के बाद ऑर्फनेज के सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ओनर आकर स्पीच देती है और ऑर्फनेज के सभी बच्चों को नए ऑर्फनेज में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। सभी बच्चे एक एक करके ऑर्फनेज से निकलकर बस में बैठ जाते हैं, पर उनमें से एक बच्ची एना के पास आकर उसके कान में कुछ कहकर चली जाती है। वो वही बच्ची थी जो उस रात को मरे हुए बच्चे के साथ में बाथरूम में गई थी और पता नहीं उस बच्ची ने ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर एना थोड़ा परेशान हो गई थी। ऑर्फनेज की ओनर एना की तरफ देखकर बस में बैठकर उन बच्चों को छोड़ने निकल जाती है। बच्चों के जाने के बाद पूरा ऑर्फनेज खाली हो गया था और एना को थोड़ा चक्कर आ रहा था। वो बाथरूम में आकर थोड़ा रेस्ट करके अपने कपड़े उतारती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एना प्रेग्नेंट है और एना बहुत सारे कपड़े पहनती थी ताकि उसका पेट किसी को भी नहीं दिखे। एना एक स्टेथोस्कोप भी लाई हुई थी जिसे वो अपने बेड के नीचे छुपा देती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो अपने कपड़े पहनकर वहां पर देखने चली जाती है। सीढ़ियों से वो ऊपर के एक कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम जुडाइट था। जुडाइट एक ट्यून गुनगुना रही थी और वो एना को कहती है कि ये धुन उसके लिए है और वो इस ऑर्फनेज को पैराडाइज कहती है। जुडाइट ये भी कहती है कि वो हमेशा से यहीं पर है और बातों ही बातों में एना से नाराज होकर वो चली जाती है और वो उसे अपने कमरे में भगा देती है। एना भी वहां से निकल जाती है और बाहर उसे इलिंका मिलती है। इलिंका एना को किचन में ले जाती है और वहां पर वो दोनों जुडाइट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर जुडाइट एक म्यूजिक बॉक्स लेकर आती है। इलिंका जुडाइट को कुछ पिल्स देती है जिससे कि वो चुपचाप खा लेती है और जुडाइट इलिंका को वही म्यूजिक बॉक्स चलाने को कहती है और एना के पास आकर वो झुककर माफी भी मांगती है। म्यूजिक बॉक्स में गाना बज रहा था। एना और इलिंका मेहनत करके काम कर रहे थे और दूसरी तरफ जुडाइट बस अकेले एंजॉय कर रही थी। जुडाइट बाहर के ही झूले में सो जाती है और कुछ देर के बाद में इलिंका वहां पर आकर उसे मेडिसिन खिलाकर अंदर ले जाती है और उस रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बादल भी गरज रहे थे। फिर कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। रात में एना उसी बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को धो रही थी और जब आईने की तरफ देखती है तो कुछ आदमी आकर उसका सर आईने पर मारते हैं, लेकिन तभी एना को पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अगली सुबह इलिंका और जुडाइट कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाते हैं और उसके जाने के बाद में एना साफ सफाई के कामों में लग गई थी। प्रेगनेंसी की हालत में भी वो कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी। तभी एक कागज उसके ऊपर से नीचे आ गिरता है। एना जब उस कागज को देखती है तो वो किसी बच्चे की ड्रॉइंग थी और वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो उसे एक ड्राइंग मिलती है
वो उन दोनों ड्राइंग को वहाँ पर एक बोर्ड पर पिन कर देती है और बोर्ड पर लगे बाकी ड्राइंग को वो देखने लगती है। वहाँ पर कुछ ड्राइंग्स बहुत अजीब थी। उन ड्राइंग्स को देखकर एना का सर बहुत तेजी से घूम रहा था और उसे याद आता है कि उस छोटी बच्ची ने ऑर्फेंस से जाते समय कहा था कि वो डरावने बच्चों से बचकर रहे। तभी उसे दिखता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। वहाँ पर अपने आप कांच का ग्लास टूट जाता है। एना को चक्कर आ रहे थे, वो उन्हीं कांच के ग्लास पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद में इलिंका और जुडाइट एना को उठाकर उसके रूम में लेकर जाती है। एना होश में आती है तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन गई थी। एलिंका उसे शांत करती है और एलिंका फिर एना के कटे हुए जख्मों पर सिलाई करती है। एना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर असल बात यह है कि एना की सच्चाई अब उन लोगों से नहीं छुपी थी। एलिंका और जुडाइट को पता लग गया था कि एना प्रेग्नेंट है। एलिंका को एना की पीठ पर बहुत सारे जख्मों के निशान भी दिखाई देते हैं। एना एलिंका को उससे प्रेगनेंसी के बारे में किसी को बताने से मना करती है और एलिंका बहुत अच्छी औरत थी और वो किसी को एना की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताने वाली थी। एना ने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दर्द सहे थे और उन बातों को याद करके एना बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो फिर एलिंका उसे हग करके कम्फर्ट करती है और जुडाइट ये सब बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और एक दिन एना झूले पर बैठ रही थी और उसका घाव भी अब ठीक हो गया था। तभी उसका पैर एक रस्सी पर पड़ता है और उस रस्सी को जमीन से निकालकर वो उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती है। वो एक जगह पर जा पहुंचती है जहाँ पर लकड़ियों के बॉक्सेस से आगे का रास्ता बंद किया गया था। वो उन बॉक्स को हटाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए थे और वो उन फाइल्स को देखने वाली थी, पर वहाँ पर उस ऑर्फनेज की ओनर आकर एना को रोक देती है। ओनर फिर एक पुरानी गाड़ी से कपड़ा हटाती है और उन फाइल्स को अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन वो जाने से पहले एना को कहती है कि उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है और वो यही डिजर्व करती है। ओनर के जाने के बाद में एना उस कार का दरवाजा खोलकर ये देखती है तो वहाँ पर एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ में थी। ऑर्फनेज में वापस आकर एना इलिंका पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसी ने ऑर्फनेज की ओनर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है, लेकिन इलिंका ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था क्योंकि सभी को पहले से पता था कि वो प्रेग्नेंट है। सभी को एना को देखकर ही इस बारे में पता लग गया था, बस एना खुद ही अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहाँ पे काम करने वाला डेनियल नाम का एक लड़का भी ये कहता है कि उन सभी को एना की प्रेगनेंसी के बारे में पता है। एना बहुत गुस्से से अंदर जाती है और ओनर भी एना को देखती है पर कुछ नहीं कहती है और गुस्से में एना अपने पेट पर एक घूंसा मारती है। क्योंकि एना शायद प्रेग्नेंट होना चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने रूम में जाकर स्टेथोस्कोप को पेट में लगाकर अपने बच्चे की आवाज सुनने लगती है। वो बच्चा अभी भी जिंदा था और ये जानकर एना गुस्से में स्टेथोस्कोप को फेंक देती है। फिर एना जितना टाइट हो सकता था उतना टाइट कपड़ा वो अपने पेट पर लगाकर अपने कपड़े पहनती है। जुडाइट तब सो रही थी और जुडाइट को उठाकर एना उन डरावने बच्चों के बारे में पूछती है। जुडाइट का कहना था कि जब भी वो सो रही होती है तो बच्चे आसपास ही होते हैं और तभी एना को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो फिर कॉरिडोर में सभी जगह देखते हुए अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ के एक टैप में पानी टपक रहा था। एना उस टैप को बंद करती है और उसे एक दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उस दीवार के पास जाती है और उस वुडन दीवार को हटाती है। उस दीवार के पीछे पूरी पाइप का कनेक्शन किया हुआ था। एना को वहाँ पर एक बॉल भी मिलती है जो कि उन्हीं पाइप के ऊपर से आकर गिरी हुई थी और वहाँ से निकलकर वो अपने पास के एक रूम में जाती है जिसके दीवार के एक हिस्से के पीछे उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एना को एक जीसस का फोटो और कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को देखते देखते एना को नींद आ जाती है। सुबह जब एना की आंखें खुलती है उसके पेट पर लगाने वाला कपड़ा भी निकला हुआ था। एना को किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बॉक्स को उसी जगह छुपा देती है और हम ये देख पाते हैं कि वो रूम उसी बाथरूम से कनेक्टेड है। फिर एना दूसरे रूम में जाती है और उस रूम के खिड़की से वो देखती है कि इलिंका और जुडाइट एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि वो जुडाइट है, पर तभी हमें देखते हैं कि जुडाइट तो घर के बाहर है। एना उसी आवाज़ के पीछे जाने लगती है और अचानक से वहाँ की लोहे की रेलिंग कांपने लगी थी और एक रेलिंग का टुकड़ा नीचे गिरता है। रेलिंग का हिलना अपने आप रुक जाता है और एना के पीछे की दीवार खुल जाती है तो डर के भागकर एक रूम के अंदर छुप जाती है। तभी इलिंका वहाँ पर आकर एना को शांत रहने का कहकर जा ही रही थी कि तभी एना उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर उनके बारे में पूछती है। फिर जुडाइट उसे बताती है
कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जुडाइट इस ऑर्फनेज में आई थी। जुडाइट के साथ एम्बुलेंस में 300 और बच्चे आए हुए थे और सारे बच्चे मर गए थे, सिर्फ जुडाइट बच गई थी और तब से वो इस ऑर्फनेज में है। एना उन बाकी के बच्चों के बारे में पूछती है पर इलिंका रोते हुए वहां से चली जाती है। एना एक चेयर पर रेस्ट कर रही थी और धीरे धीरे उसे नींद आने लगी थी। कुछ देर के बाद में उसे जुडाइट और इलिंका की कही हुई बातों का सपना आता है और अचानक वो अपनी नींद से उठ जाती है। दूसरी तरफ जुडाइट रोते हुए इलिंका के पास आकर उन बिल्लियों के बारे में बताती है जो कि अब गायब हो गई थी। जुडाइट बहुत ज्यादा रोती है और इलिंका उसे शांत करने की कोशिश करती है। एना जब वहां पर आती है तो जुडाइट उससे भी गले लगाकर रोने लगती है। फिर दोनों जंगल में जाकर बिल्लियों को ढूंढने लगते हैं। तभी एना और जुडाइट देखते हैं कि इलिंका पुल से बिल्लियों को निकाल रही है और किसी ने बिल्लियों को बांधकर उन बिल्लियों को पानी में डुबाकर मार दिया था। एना को लगा बिल्लियों को इलिंका नहीं मारा है और जुडाइट भी इलिंका पर इल्जाम लगाती है कि उसी ने उन बिल्लियों को मारा होगा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जुडाइट बिल्लियों को पाले। इलिंका कहती है कि उसने उन बिल्लियों को नहीं मारा है पर जुडाइट और एना उस पर विश्वास नहीं करते हैं। एना और जुडाइट जंगल में जाकर उन बिल्लियों को दफना देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एना जुडाइट की अच्छी दोस्त बन जाती है। एना फिर जुडाइट को उन पिल्स को लेने को भी मना करती है जो कि इलिंका और उस ऑर्फनेज की ओनर उसे देती थी। फिर एक दिन नहाने के बाद में एना जुडाइट के वो सारे पिल्स सिंक में फेंक देती है। तभी वहां पर इलिंका आती है पर एना दरवाजा नहीं खोलती है तो इलिंका गुस्से से वहां से चली जाती है। जुडाइट एना के ही रूम में थी और फिर जुडाइट उन डरावने बच्चों के बारे में एना को बताने लगती है। जुडाइट को बातें ठीक से याद नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी वो याद करने की कोशिश करती है। एना और जुडाइट उसी बाथरूम में जाते हैं और वहां पे छानबीन करने लगते हैं। तभी एना और जुडाइट को ऐसा लगता है कि जैसे आईने के पीछे कोई है। एना आईने के पास जाती है और बाथरूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया था। अचानक से एक बच्चे की आत्मा आईने के पीछे से एना को डरा देती है और हड़बड़ी में एना जमीन पर गिर जाती है। एना फिर से उठती है और उसे अब यकीन हो गया था कि उस आईने के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर है। एना उस आईने को तोड़ देती है और आईने के उस तरफ भी एक रूम था और उस रूम के अंदर लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी। उस बाथरूम का डोर भी कोई खोलने की कोशिश कर रहा था और एना अपने हाथ में टिश्यू बांधकर बाकी के ग्लास को तोड़कर अंदर जाने लगती है। पर वहां पर इलिंका आकर एना के पैरों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अगर वो अंदर गई तो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। एना को वहां पर बच्चों की आवाज भी सुनाई देती है और एना तभी बेहोश हो जाती है। इलिंका उस पर पानी डालकर उसे शांत करती है और होश में लेकर आती है। इलिंका कहती है कि वो सभी बच्चे मर चुके हैं। उन बच्चों को उसी आईने के पीछे दफनाया गया था और जुडाइट इलिंका के सर पर मारकर उसे बेहोश करती है और उसे कहती है कि इलिंका झूठ बोल रही है। फिर वहां से निकलकर एना और जुडाइट एक एलिवेटर के पास जाती है। जुडाइट उसे वहां पर जाने के लिए मना करती है पर एना जुडाइट की बात न मानकर उस एलिवेटर में बैठ जाती है। एना फिर उस ऑर्फनेज के बेसमेंट पर जा पूछती है और वहां पर अभी भी सब कुछ साफ सुथरा था। एलिवेटर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और तभी एना को वहां पर सभी बच्चे दिखाई देते हैं। फिर अचानक से एना को अब लेबर पेन शुरू हो गया था और उसके शरीर से ब्लड भी निकलने लगा था। एना उन बच्चों को देखकर डर जाती है और दूसरे रूम में आ जाती है लेकिन वहां भी बहुत सारे बच्चे एना के पास आ गए थे। एना अब पजेस्ड स्टेट में आ जाती है और वो बच्चे कुछ स्पेल पढ़ रहे थे। तभी बच्चे एना को घेर लेते हैं और उसकी डिलीवरी करवा देते हैं और एना उन बच्चों के सामने अपने बच्चों को पैदा करने लगती है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज की ओनर और डेनियल एना को ढूंढ रहे थे। तभी उन दोनों को एना अपने बच्चों के साथ में मरी हुई मिलती है। अपने जिंदगी के आखिरी समय में एना अपने बच्चे से प्यार करने वाली थी और मरते समय भी उसने अपने बच्चे को प्यार करते हुए उसे पकड़ कर रखा हुआ था। अब कुछ दिन के बाद सभी उस ऑर्फनेज को छोड़कर जाने वाले थे। इलिंका ओनर को बताती है कि एना ने ही उन बिल्लियों को मारा था और इल्जाम उस पर लगा दिया था ताकि वो जुडाइट के पास आ पाए। फिर सभी उस ऑर्फनेज को छोड़कर जाने लगते हैं पर जुडाइट एक बार अंदर जाकर उन पिल्स को फेंकती है और वो बोर्ड से एक ड्राइंग अपने पास रख लेती है। जुडाइट को एना के रूम में एना और बाकी के बच्चों की आत्मा दिखाई देती है। एना की आत्मा ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था और उन बच्चों की तरह एना भी वहीं पर कैद हुई आत्मा बन गई थी। तभी वहां पर ओनर आकर जुडाइट को वहां से लेकर चली जाती है और हमेशा के लिए वो उस ऑर्फनेज को छोड़ देते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में ये बताया गया है कि एना नाम की एक लड़की थी जो कि एक ऑर्फनेज में काम करने आई हुई थी। एना एक प्रेग्नेंट लेडी थी लेकिन वो सभी से छुपा कर रखती है क्योंकि उसका बच्चा एक नाजायज बच्चा था। फिर एना को धीरे धीरे ये पता लगता है कि ऑर्फनेज में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि उस ऑर्फनेज में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 300 बच्चे मरे हुए लेकर आए थे और उन बच्चों की आत्मा यहीं पर कैद थी और वो यहाँ पर धीरे धीरे और भी लोगों को मारते हैं। उन बच्चों ने एना और उसके पैदा हुए बच्चे को भी मार दिया और एना भी अब जिंदगी भर के लिए
उसी ऑर्फनेज में कैद हो जाती है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ।